हर 70 साल में जैसे ही राजा बूढ़ा हो जाएगा उसकी सवारी निकाली जाएगी धूमधाम से, पूरा राज्य उसमें शामिल होगा, पूरी प्रजा इकट्ठी होगी, पूरी प्रजा नाचेगी, मगर राजा रोएगा। क्यों? क्योंकि सवारी नदी के पास उतारी जाएगी, नौका में राजा को बिठाया जाएगा, नदी के उस पार छोड़ा जाएगा, उस पार नदी के जंगल है, वहां जानवर जंगली हैं, राजा को खा जाएंगे और यहां पर सिंहासन पर दूसरा राजा बैठ जाएगा। यह नियम साल दर साल चलता रहा, राजा बदलते रहे। एक समय आया, सवारी निकाली गई, पूरी प्रजा नाच रही है, राजा भी नाच रहा है। मंत्री ने पूछा, बोले महाराज आज तक एक भी राजा को नाचते गाते सवारी में नहीं देखा, आप पहले राजा हो, ऐसा क्यों? राजा मुस्कुराए और जवाब क्या दिया सुने, बोले हर साल ये नियम होता रहा है, मैं मूर्ख हूं, 70 साल बाद मेरा क्या हाल होना है जब मुझे पता है, तो मैं पागल हूं, मैं ऐसे ही बैठूंगा? मेरे पूरे राज्य काल में जैसी मेरी व्यवस्था यहां थी, वैसी की वैसी व्यवस्था मैंने नदी के उस पार जंगल में बना ली, यहां सिंहासन से उतरूंगा, वहां सिंहासन पे जाके बैठ जाऊंगा। अर्थात इंसान वही समझदार है जो यहां रहते रहते यहां का इंतजाम करते करते वहां का इंतजाम भी कर ले।